शंभू भैया, वैसे तो आप झारखंड से हो और मैं भी, लेकिन ना झारखंड को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है और कुछ सवाल भी है। आप तो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? जरूर बिमलेश, अगर सवाल सही हुआ तो। ओके भैया, तो मेरा 5 सवाल है। पहला सवाल है, हम लोग झारखंड से हैं, फिर भी हमको बिहारी लोग क्यों बोलते हैं? दूसरा सवाल है, झारखंड में तो बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें आदिवासी जैसे नज़रों से क्यों देखते हैं? तीसरा सवाल है, लोगों को क्यों लगता है कि हमें कोयला फ्री में मिलता होगा? और चौथा सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा क्या कोई और फेमस पर्सन नहीं है झारखंड में? और पांचवा सवाल है कि झारखंड में क्या कोई घूमने वाला जगह नहीं है? सब बोलते हैं वहाँ जंगल झाड़ी है। ओके बम्बू, ये सवाल तो मैंने भी सुना है, तो चलो आज तुम्हारा और लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ, लेकिन उसके पहले झारखंड बिहार हुआ करता था। तो अभी झारखंड को 22 साल होने वाले हैं। चूंकि ये काफ़ी कम समय है अगर लोगों को दृष्टिकोण से देखें तो, इसलिए लोग हमें बिहारी कहते हैं। जितना पुराना हमारा अस्तित्व होगा, लोग हमें झारखंडी के रूप में पहचानेंगे। दूसरा, झारखंड में अगर ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो वह आधे से भी ज़्यादा है। सो लोगों को लगता है कि अगर आप झारखंड से हो तो शायद आदिवासी हो, लेकिन वहाँ पे कई जाति धर्म के लोग साथ में रहते हैं। तीसरा, धनबाद, जिसे लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। अब लोगों का थॉट ये है कि अगर ये कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है तो शायद वहाँ के लोगों को यह आसानी से या फ्री में मिल जाता होगा। वैसे यह बात सच है कि हमें दूसरों राज्यों के तुलना में कोयला आसानी से और सस्ता मिलता है। चौथा, वैसे तो झारखंड के लोग हर फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं, लेकिन सबका नाम नहीं ले सकता। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें कुछ आज के ज़माने के फेमस लोगों के नाम बता देता हूँ। MS धोनी, R माधवन, अंजना ओम कश्यप, तनुश्री दत्ता, दीपिका कुमारी, ये कुछ फेमस लोगों के नाम दे दिए जो आज के ज़माने में फेमस हैं। बाकी के लोगों के नाम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। रही बात घूमने की, तो झारखंड, जिसका अर्थ होता है झार यानी कि जंगल, खंड यानी कि ज़मीन, तो ऑब्वियसली घूमने का तो काफ़ी फेमस प्लेस है यहाँ पे। वैसे तो मैं सारे नाम नहीं ले पाऊँगा, फिर भी कुछ फेमस नाम बता देता हूँ, बाकी का डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लेना। पतरातू वैली, हुंडरू फॉल्स, डैसम फॉल्स, बिरसा जूलॉजिकल पार्क, जुबली पार्क, बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल, बासुकीनाथ, पारसनाथ हिल्स, मलूटी टेम्पल, मधुबन, सत्संग। सो आई होप तुम्हारा कन्फ्यूज़न और मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आप लोगों को कुछ जानना है या राय देनी है तो हमें कमेंट में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।